अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। रंगन भरी शाम में मां तांजी होस्ट एंड दोस्त अज़रा खान मुझे तरफा तां सभिनी के सलाम कबूल हुजे। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? उमेद कयूं था त तव्हां ख़ुशि हूंदव हमेशह वांगुरु, त तव्हां महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। असांजी दुआ बि आहे हूंदी आहे ऐं हमेशह हिकु ॿिए खे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा कयो। मूंखे बि पंहिंजी दुआ में यादि रखंदा कयो। ऐं ॿियो ॿुधायो, सभु ठीकु आहियो? ऐं मां बि बिल्कुलु ठीकु आहियां। जेके मूंखां पुछनि, मां तव्हांजे बिल्कुलु साम्हूं आहियां, ठीकु ठाक, टिप टॉप। ऐं हमेशह असां जेको आहे इंट्रो में ई पंहिंजे जेको आहे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, को न को टॉपिक खणी ईंदा आहियूं। अॼु असां जेको आहे उमेद ते ॻाल्हाईंदासीं। उमेदूं त चवंदा आहिनि हज़ारे हूंदियूं आहिनि, ऐं चवंदा आहिनि त उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे। त ॾिसूं था त उमेद ते दुनिया केतिरे हद ताईं क़ाइमु आहे ऐं इंसाननि में असांखे केतिरे हद ताईं उमेद रखणु खपे। हिकु इंसान में असां हमेशह कंहिं सुठे दोस्त मां उमेद रखे वठंदा आहियूं, मिट माइट मां उमेद रखे वठंदा आहियूं, पर छा उहे उन्हनि उमेदुनि ते पूरो लहंदा आहिनि या न? अॼु असां पंहिंजे गेस्ट जेके असां वटि ईंदा उन्हनि खां बि पुछंदासीं, असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि कॉलर्स, असां उन्हनि खां बि पुछंदासीं त जेको आहे उमेद हिकु इंसान मां केतिरे हद ताईं रखणु खपे ऐं छा उमेद रखण सां ई आहे या न। अलाह मां त उमेद हूंदी आहे, उनमें त 100% हूंदी आहे ऐं उहा उमेद अलाह सां ज़ाहिर ॻाल्हि आहे पूरी बि कंदो आहे, पर असां हिते इंसानियत जी ॻाल्हि कयूं था। इंसान ज़ात मां केतिरी मतिलबु उमेद रखणु खपे ऐं केतिरे हद ताईं रखणु खपे, ऐं तव्हां कॾहिं कंहिंमें उमेद रखी आहे, उहा उमेद तव्हांजी पूरी थी आहे? या वरी कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त उमेद जेका आहे जंहिंमें हूंदी आहे उहे माण्हू उन शइ खे पूरो न करे सघंदा आहिनि। ऐं आख़िर में जेको आहे असांजी उमेद जो जेको हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि, उमेद जो उमेद जेका उहा टुटी पवंदी आहे। सो ॾिसंदासीं अॼु असांजा जेके कॉलर्स आहिनि उहे बि असां सां पाण शेयर कंदा त उन्हनि कंहिं मां उमेद रखी, कंहिं उन्हनि जी उमेद ते पूरो लथो, केरु न लथो, ऐं छा उन्हनि मां बि कंहिं उमेद रखी कॾहिं, या उन्हनि उन्हनि जी उमेद पूरी कई या न। त हिकु इंसान मां असांखे केतिरी उमेद रखणु खपे ऐं वाकई में उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे या न, या इहा सिर्फ़ु चवणी आहे? छो जो चवणी त इहा ई आहे त उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे, उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे। त केतिरी क़ाइमु आहे, केतिरे हद ताईं क़ाइमु आहे, केतिरे हद ताईं असां हिकु ॿिए खे कमु ईंदा आहियूं, असां हिकु ॿिए जी ज़रूरतूं पूरियूं कंदा आहियूं, असां हिकु ॿिए जी उमेदुनि ते पूरो लहंदा आहियूं, केतिरे हद ताईं? चवण जे लाइ त इहो बसि असां जुमिलो चई छॾींदा आहियूं त उमेद आहे त हीउ कमु थी वेंदो, पर वाकई में असां जंहिंमें उमेद रखंदा आहियूं, छा उहे माण्हू असांजो कमु कंदा आहिनि? छा उहे असांजी ज़रूरत जे टाइम ते असांखे कमु ईंदा आहिनि? छा असांखे जंहिं टाइप जी उमेद उन्हनि मां हूंदी आहे, छा उहा पूरी थींदी आहे वाकई, या वरी ऐन मौक़े ते जेको आहे उहा उमेद टुटी पवंदी आहे? त अॼु असांजो टॉपिक इहो आहे। बाक़ी मां तव्हांखे ड्रेस डिज़ाइनिंग जे हवाले सां रोज़ु ॿुधाईंदी आहियां त निदास कलेक्शन जी मां ड्रेस वेयर कंदी आहियां, जंहिंजो जेको शॉप नंबर आहे उहो 16 CTC शॉपिंग मॉल 3 तलवार, जंहिंखे मुंहिंजो ड्रेस पसंदि ईंदी आहे। जेको हमेशह तव्हां जेको आहे मां जेका ड्रेसिस कंदी आहियां तव्हां उनजी तारीफ़ कंदा आहियो, पर जॾहिं बि तव्हांखे बाए करणी हुजे तव्हां उते वञी करे हवालो ॾींदो प्रोग्राम जो, त तव्हां सां यकीन जेको आहे डिस्काउंट बि थी वेंदो। ऐं जॾहिं प्रोग्राम में तव्हां उन्हनि जो ज़िक्र कंदव त भई असां प्रोग्राम में तव्हांजी ड्रेसिस ॾिठी होस्ट खे फाथल हुई, त असां उन जे करे तव्हां आया आहियूं, त हू यकीन तव्हां सां डिस्काउंट बि कंदा ऐं तमामु सुठियूं वैरायटियूं मौजूदु आहिनि उते, जेके मां वेयर कंदी आहियां उनखां अलावा बि सुठियूं आहिनि। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पार्टी जे हवाले सां आहिनि, उते दुल्हन जे हवाले सां ड्रेसिस पयूं आहिनि, उन खां अलावा असां कैजुअल जेके पाईंदा आहियूं उहे आहिनि। त तव्हांखे जहिड़े बि क़िस्म जी ड्रेस वेयर करणी आहे, वठणी आहे, बाए करणी आहे, तव्हां ख़रीद करे सघो था। ऐं फीडबैक में ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो त तव्हां उते वियो या न। हमेशह जेको आहे असांजा कॉलर्स बि पुछंदा आहिनि त जेको आहे CTC शॉपिंग मॉल, वरी उनजो बुटीक जो नालो उहो मतिलबु ॿुधाए छॾींदा आहिनि, निदास बुटीक CTC शॉपिंग मॉल 3 तलवार, ऐं 16 नंबर जेको आहे उनजी शॉप जो नंबर आहे। त तव्हांखे अगरि ड्रेस का बि पसंदि अचे त तव्हां उतां बाए करे सघो था। बहरहाल असां टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं, उमेद इंसान मां केतिरी रखणु खपे, केतिरियूं उमेदूं आहिनि असां हिकु ॿिए मां रखंदा आहियूं, ऐं वाकई में असां उमेदुनि ते पूरो लहंदा आहियूं या न। ऐं इहा चवणी जेको आहे कैसी केतिरे हद ताईं सच आहे, त उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे। त ॾिसंदासीं त उमेद ते केतिरा क़ाइमु आहियूं हिकु ॿिए जे, कॉलर्स खां बि पुछंदासीं, गेस्ट बि ईंदा असां वटि सुठा, तमामु सुठा गेस्ट मौजूदु हूंदा, ऐं यकीननि उन्हनि खे ॾिसी तव्हांजो दिलि ख़ुशि थी वेंदो। उन्हनि खां बि पुछंदासीं त उहे कंहिंजी उमेदुनि ते पूरा लथा, या उन्हनि खे कंहिं मां उमेद हुई ऐं उहे उमेदूं उन्हनि जूं पूरियूं थियूं या टुटी वियूं। छो जो असां ज़ाहिरी ॻाल्हि ज़िंदगी में ईअं थींदो रहंदो आहे न, लाह चढ़ा त ईंदा रहंदा आहिनि, असां कॾहिं कंहिंजी उमेद टोड़ींदा आहियूं, कोई असांजी टोड़ींदो आहे, पर हमेशह इहो चयो वेंदो आहे त वरी बि दुनिया क़ाइमु आहे उमेद ते। त दुनिया केतिरे हद ताईं क़ाइमु आहे ॾिसंदासीं। कॉल आहे, कॉल वठूं था, ॾिसूं था कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदा केरु किथां खां? मां श्यामलाल थो ॻाल्हायां, देर की खां। जी अदा रंगनि भरी शाम में वेलकम कयूं था तव्हांखे। ठीकु आहियो? प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी बिल्कुलु, प्रोग्राम ॾिसूं था, असां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु प्रोग्राम ॾिसूं था।
वडी मेहरबानी प्रोग्राम जो हवाले से छा चंदो प्रोग्राम तमाम बेहतरीन आ सा जो एकड़ो दोस्त आयो गिलगित सा जी जी हां तो उने जेवादी प्रोग्राम दिसो त उनचा डाडो भलो प्रोग्राम आ तसा कॉल कइसे ताके लाइव वडी मेहरबानी अच्छा आज से प्रोग्राम जो को टॉपिक आयो है उम्मीद तो इंसान के इंसान में केतरे हद तक उम्मीद रखन घुरजे बस इन जे बारे में अगन दोस्त गलाइंदो ता सा गिलगित आयला जब गुल खान उम्मीद जे हवाले सा वो ताके कुछ बताइनो जी जी बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम मैं अजब खान बात कर रहा हूँ श्यामलाल मेरा दोस्त है अच्छा 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 मैं टॉपिक के हवाले से बात कर रही थी कि उम्मीद इंसान को किसी दूसरे इंसान से कितनी हद तक रखनी चाहिए हमें उम्मीद एक अच्छा वो है कि इंसान और इंसान में बड़ा फर्क होता है कि किसी बात इंसान के ऊपर उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि वो आपके तवक्कात पर आपके जो ना एहसास को आपकी तमाम चीजों को समझ सकता है और जान सकता है क्योंकि ऐसे शख्स के ऊपर उम्मीद रखना चाहिए और ऐसे शख्स पे भी उम्मीद ना रखे कि मतलब वो सिर्फ अपनी दुनिया में मतलब रहता हो और आपकी उम्मीदों के पे वो पूरा नहीं उतरता हो तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने और कुछ कहना चाहेंगे सॉरी और कुछ कहना चाहेंगे आपने ये सही कहा कि मतलब उम्मीद जो है वो हम सब में हम सब पे रख लेते हैं ना कि हमें ये भी हमें हमारी उम्मीद पूरी करेगा पूरे दोस्त जो हमारे होते हैं लेकिन सब दोस्त एक जैसे नहीं होते लेकिन मेरे लिए और कुछ कहना चाहेंगे आप नहीं मैडम बहुत शुक्रिया आपसे बात हुई हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आपने हमारे कहने पे मेरे दोस्त की कॉल आपने पिकअप कर ली और आप तक जो रसाई मिली ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है बड़ी मेहरबानी आपकी बहुत शुक्रिया और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ लेकिन सिंध में इधर मैं अपने दोस्त के पास आया था तो इनके आपका प्रोग्राम देखने के बाद जो ना आप मैंने बोला यार मेरी बात करवा सकते हो तो मैं इनसे मेरी बात करवा दे उसमें जो ना दोस्त ने फौरन कॉल मिलाया था आपसे मेरी बात ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थैंक यू सो मच वरी मेहरबानी तां कॉल कई है जो को है त्रो सुठो गाला टॉपिक ते भी है दिल सा कॉल कई जाहिर गला दिल सा कॉल कई ते तां दी कॉल मिली वई ने हमेशा जे का असा व्यूअर्स नु चंदा ने त कॉल जो को हमेशा बिजी रहंदी आ त बिजी इन लाई रहंदी आ त सब एक ही टाइम ते नंबर डायल कंदा है त पो यकीनन वो नंबर जो का है वो बिजी रहंदो है सो कदे कनी इतना के जी कॉल लगंदी है फर्स्ट टाइम चंदा ने असा जी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम भी दिसु पियाई कॉल भी कया त कॉल लगी वे खुश नसीबी हुंदी है बहरहाल वाकई में असा के उनन माणन मा उम्मीद रखन खपे जेके उम्मीद जे लायक हुजन पर की खबर पए अना थोड़ो गलाइना सी इन टॉपिक ते हेलो अस्सलाम वालेकुम कॉल आई दिसु त केर आई वालेकुम अस्सलाम जी अदी के आयो ठीक आयो जी जी बिल्कुल ठीक ता बुधायो की आयो अल्हम्दुलिल्लाह दुआयो हिन ता जो के रहयो किथा का नालो बुधायो पेंजो जी मूमल थी गलाया खैरपुर का मूमल फ्रॉम खैरपुर खैरपुर में गर्मी अच्छी वही मूमल जी जी इलाही अच्छी वही नॉर्मल आ बस नॉर्मल आ नॉर्मल आ तो वाले अच्छा सही सही प्रोग्राम दिसो पियो है ना वक्त जी जी तो क्या ता माशाल्लाह आज दादा सुठा ता लगो वडी में आई टॉपिक भी तमाम सुठो रखवा ता छा गलाइंदी मूमल टॉपिक ते जी मां यो गलाइनम त उम्मीद रखण ब खपे पर न ब रखण खपे आज कल वक्त एड़ो थी वियो आले अच्छा सही गला पर ता करे के मैं उम्मीद रखी आ जी जी उम्मीद ता हाने बाहर रखनी पोंदी आ नहीं छा कयो पर वो उम्मीद ते पूरा लथा नहीं आनिया बस आसरे में ही तो उम्मीद ते पूरो लहंदा बस ये तक उम्मीद ते पूरा बाणो मेरे लथा हो जाए छा छयो उम्मीद हाँ, हाँ, बिल्कुल सही मतलब जी दुनिया है उम्मीद घट रखे तो बेहतर है हां सही गल है यो प्रोग्राम दे वाले सा बोला मेरा थे प्रोग्राम दे वाले सा कुछ चवण चाहिंदे प्रोग्राम दे वाले बाकी प्रोग्राम देखो माशाल्लाह मुखे दादो सुठो लगो इंशाल्लाह आई वडी मेहरबानी ता खैरपुर खां अमूमल सखे कॉल कई ता वडी मेहरबानी आई ता शेयर कयो त उम्मीद आहे के मा पर लगे न थो त जो का है वो असन उम्मीद ते पूरो लंदा ई थी हमेशा सा घणी कुछ उम्मीद रखी वठना इंसानन मा त ही जो का है बस आहे न असन बैक ते बस असन की का परवाह न है पर उन जो हमेशा
छा चवंदा आहिनि त मंज़र हिकिड़ो हूंदो आहे, पस मंज़र जेको आहे ॿियो निकिरंदो आहे। सो बहरहाल वरी बि दुनिया उमीद ते क़ाइमु आहे, जेको इहो चवणी आहे या केतिरे हद ताईं सच आहे इहो मूंखे सम्झ में नथो अचे, त अगरि उमीद माण्हू पूरो बि नथा कनि त पोइ छो ईअं चवणी आहे त उमीद ते दुनिया क़ाइमु आहे, ऐं उमीद ते दुनिया क़ाइमु आहे छो क़ाइमु आहे, असां हिक ॿिए जी उमीदुनि ते छो पूरो न लहंदा आहियूं। बहरहाल पंज आङुरियूं बराबरि बि न आहिनि, के माण्हू इहे बि हूंदा आहिनि जेके तव्हांजे बैक ते तव्हांजी सपोर्ट कंदा आहिनि, तव्हांखे अॻियां वधण जे लाइ क्रेज कंदा आहिनि, तव्हांखे अॻियां वधंदे ॾिसणु चाहींदा आहिनि, तव्हांजी कामयाबी ॾिसणु चाहींदा आहिनि। छो जो हर माण्हू ईअं न हूंदो आहे त तव्हांखे जेको आहे हरू भरू मक़सदु बाउंड करे या हरू भरू इहो तनक़ीद करे त जेको आहे तूं को कमु करी पियो या करी पई उहो सही न आहे, हीअं कर या हीअं न कर। के माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि तव्हांजी लाइफ में जेके तव्हांखे तमामु घणो ख़ुशि ॾिसणु चाहींदा आहिनि, जेके तव्हांजी उमीदुनि खां वधीक उन्हनि ते पूरो लहंदा आहिनि, तव्हां जेको सोचींदा आहियो उहो सम्झी वठंदा आहिनि। करे त अहिड़ा माण्हू बि तव्हांजी लाइफ में हूंदा आहिनि त तव्हांजो जेको माइंड में हूंदो तव्हांजे चहिरे ते ॾिसी करे हू तव्हांखे ॿुधाए चवंदा आहिनि त तूं हीअ सोची पियो या सोची पई। सो अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे हूंदा त घटि आहिनि, पर चवणी इहो ई आहे त पंज आङुरियूं बराबरि न आहिनि, त पोइ सुठा माण्हू बि आहिनि ऐं जेके आहिनि ना उमेद वारा जेके माण्हू आहिनि उहे बि आहिनि। पर बहरहाल वरी बि दुनिया आहे, दुनिया त हले थी पई, ऐं ईअं ई असां हिक ॿिए सां हलंदासीं पिया, कॾहिं रुसंदासीं, कॾहिं परचंदासीं, कॾहिं ठहंदासीं, कॾहिं उमेद टोड़ींदासीं, कॾहिं उमेदूं जोड़ींदासीं, कॾहिं कुझु हूंदो आहे त हमेशह ज़िंदगी बि ईअं ई आहे, कॾहिं लाहा हूंदा आहिनि, कॾहिं चाढ़ा हूंदा आहिनि, ऐं दोस्त कॾहिं सुठा बि मिलंदा आहिनि, कॾहिं तव्हांखे बुरनि दोस्तनि जो ईअं न मतिलबु हूंदो आहे त उहो इंसानु बुरो आहे, पर उहो इंसानु ईंदो ई तव्हांजी लाइफ में इन जे करे त तव्हां उन मां सबक़ु हासिलु कयो, ऐं वरी कॾहिं अहिड़ी ग़लती न कयो या कॾहिं वरी अहिड़े कंहिं माण्हू सां को बि रिलेशन न रखो, दोस्ती आहे, भाइपी आहे। हमेशह कॾहिं कॾहिं माण्हू एतिरो कंहिंसां क्लोज थी वेंदो आहे त भई मूंखे पंहिंजी भेण खां वधीक आहे या मूंखे पंहिंजे भाउ खां वधीक आहे, हीउ दोस्त आहे मुंहिंजो सुठो, ऐं उहे गहिरा दोस्त कॾहिं कॾहिं जेको आहे न गहिरा घाव बि ॾेई वेंदा आहिनि। त पोइ जॾहिं गहिरा दोस्त जेके हूंदा आहिनि ऐं जंहिंखे असां पंहिंजी हिमत ऐं पंहिंजो मान सम्झंदा आहियूं, उहे कॾहिं कॾहिं असांजो मान जेको आहे उहो टोड़े वेंदा आहिनि। सो उहे उमेद हूंदियूं आहिनि, इन खे ई उमेद चइबो आहे त जेको आहे असां कंहिंमें उमेद रखीसीं, असां कंहिंखे भलो सम्झोसीं ऐं बैक ते उहो कुझु ॿियो ई निकितो। सो दुनिया आहे, हलंदी पई, असां बि हलूं था, तव्हां बि हलो था, हिक ॿिए जा सूर आहिनि ईअं मिड़ेई शेयर कंदासीं। सो ॾिसूं था कॉल आहे, कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदा केरु किथां खां? जी अदा रंगन भरी शाम में तव्हांखे वेलकम कयूं था, कीअं आहियो, ठीकु आहियो भाउ? प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी जी, प्रोग्राम ॾिसूं पिया। छा चवंदो प्रोग्राम जे हवाले सां ऐं टॉपिक ते ॻाल्हाईंदो? हा, टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। जी जी, ॻाल्हायो, बिल्कुलु ॿुधायो। हा, अॼु जेको टॉपिक आहे त इंसान मां इंसान खे केतिरी उमेद रखणु घुरिजे। जी बिल्कुलु, केतिरी रखणु घुरिजे इंसान में? हा, उमेद त इंसान खे अलामा त हूंदी आहे न, 100% हूंदी आहे असांखे, अलाह सां ई त असांजी उहा उमेद पूरी कंदो आहे, पर असां इंसान ज़ात जी ॻाल्हि था कयूं त असांखे हिक ॿिए मां केतिरी उमेद रखणु खपे? बाक़ी त धोको आहे। सही ॻाल्हि कई आहे त सचो जेको दोस्त हूंदो उहो ई तव्हांजी उमेद ते पूरो लहंदो, बाक़ी त धोको आहे। त उमेद मतिलबु नॉर्मल रखणु खपे, तव्हांजो मतिलबु आहे त हद जे अंदरि। वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां कॉल कई, प्रोग्राम में शामिलु थियो, ईअं कॉल कंदा रहो। ऐं वाक़े में उमेद जेका आहे असां कॾहिं कॾहिं घणी रखी छॾींदा आहियूं न, पोइ असांजो दिलि टुटी पवंदो आहे। अगरि असां हद ताईं हद जे अंदरि रखंदासीं त पोइ थी सघे थो एतिरी तकलीफ़ इंसान खे न थिए। जॾहिं को इंसानु तव्हांजो छा चवंदा आहिनि हिकिड़ो ख़्वाबु उमेद टोड़े थो त पोइ इंसान खे वधीक ॾुखु थींदो आहे उन माण्हू जो, त मां हिन खे छा सम्झो ऐं हीउ माण्हू छा निकितो। सो जंहिंखां बि पुछो त लाइफ हर कंहिंजी मतिलबु सेम ई आहे, हर कंहिंसां सेम प्रॉब्लम्स आहिनि, हर कंहिंसां सेम सिचुएशन आहे, पर आहियूं त सभु इंसान मतिलबु हिक ॿिए सां ई मिलूं था। असां रोज़ु कंहिं न कंहिंसां मिलंदा आहियूं, रोज़ु असां सां कंहिं सुठा माण्हू मिलंदा आहिनि, कंहिं कीअं मिलंदा आहिनि, असां उन्हनि मां रोज़ु सबक़ु हासिलु कंदा आहियूं, पर वरी बि असां खां वरी थोरी देरि खां पोइ उहे शयूं विसरी वेंदियूं आहिनि। जॾहिं वरी को ॿियो सुठो दोस्त मिलंदो आहे त असांखां उहे शयूं विसरी वेंदियूं आहिनि, त अॻिले जेको आहे असांजी उमेद टोड़ी त हाणे शायदि ई जेको आहे वरी इन करे उहा शइ असांजे ज़हन में न ईंदी आहे। उहा तॾहिं न ईंदी आहे जॾहिं तव्हांजी पंहिंजी नियत साफ़ु आहे, छो जो चवंदा आहिनि जॾहिं माइंड ऐं नियत साफ़ु हुजे त पोइ तव्हांजी सोच में तव्हांजी सम्झ में नेगेटिव पॉइंट सां को बि माना पॉइंट नथी अची सघे। तव्हां हमेशह पॉज़िटिव ई सोचींदा आहियो ऐं पॉज़िटिव सोचण वारो हमेशह कामयाबु थींदो आहे, पर थोरी देरि जे लाइ तकलीफ़ थींदी आहे, पर
कामयाबी भी मिलंदी आहे। बहरहाल असां सां सुठा महिमान बि अॼु गॾु हूंदा, रंगनि भरी शाम में ख़ूबसूरत रंग असां सां गॾु हूंदा, पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे। रंगनि भरी शाम में वठूं था ब्रेक, ब्रेक खां पोइ वरी गॾु आहियूं। वेलकम बैक रंगन भरी शाम में। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी ॾिसंदड़ खे भली कार कयूं था। जीअं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं मां तव्हांखे चयो त असां सां ख़ूबसूरत रंग जेके आहिनि उहे गॾु हूंदा रंगन भरी शाम में। सो ख़ूबसूरत रंग जेके आहिनि उहे असां भरिया आहिनि, ऐं जीअं तव्हां टी वी स्क्रीन ते उन्हनि खे ॾिसंदो त ख़ुशि थी वेंदो, छो जो अॼु असां सां डॉक्टर साहिब बि गॾु हूंदा, ऐं अॼु असां सां हिकिड़ी एंटीबायोटिक बि गॾु आहे जेका तव्हां टी वी स्क्रीन ते ॾिसंदा बि आहियो के टी एन जे। त असां कंहिं बिना कंहिं देरि जो इंट्रोडक्शन करायां, अॼु असां सां गॾु आहे अनीता मोहरम, जंहिंखे तव्हां के टी एन ते ॾिसंदा बि आहियो, ऐं मूंखे वधीक इंट्रोडक्शन करण जी ज़रूरत आहे। एंटीबायोटिक चयो त मतिलबु उहा हिकु सुठी मॉडल बि आहे, सुठी एक्टर बि आहे, डायरेक्शन बि करे पई, ऐं हाणे जेको आहे जेको खोड़ीअ खे घुमरो, खोड़ीअ खे घुमरी घुमरी, सो अची वई आहे असां वटि अनीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु तव्हांजे साम्हूं। ऐं अनीता पहिरियां त वॾी महिरबानी, साम्हूं त आहियो पर कॾहिं माण्हू साम्हूं हूंदे बि बीमार हूंदो आहे न, पुछणु ज़रूरी आहे। इहो न पुछंदो न छो अंदरि जूं ॻाल्हियूं। ॿियो मां सभिनि खां पहिरियां थैंक्स कंदसि तव्हांखे, तव्हां आया असांजे प्रोग्राम में। उन खां पोइ असां डॉक्टर साहिब जो इंट्रोडक्शन कराईंदासीं। हिकु हर्बलिस्ट खे असां सां गॾु आहे, असां उन्हनि सां स्किन जे हवाले सां, हेयर जे हवाले सां, ऐं स्किन जे हवाले सां, हाणे जीअं गर्मियूं शुरू थियूं त इलाही सारा प्रॉब्लम्स बि छोकिरियुनि वीचारियुनि सां थींदा, उन खां कीअं बचिजे, उन खां छा करणु खपे, ऐं पहिरियां जीअं चवंदा आहिनि त हिकिड़े हमले खां पहिरीं असां पंहिंजी पोज़िशन संभाले वियूं, उहो उन सभिनी ते असां ॻाल्हाईंदासीं डॉक्टर साहिब सां, ऐं हेयर जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। मैदे जा घणा मसला थींदा आहिनि ऊन्हारे में, गर्मियुनि में। सो असां वेलकम कंदासीं मोहम्मद रिज़वान डॉक्टर साहिब असां सां गॾु आहिनि, असां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं रंगनि भरी शाम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट है आपका, बहुत अच्छा होस्ट करती हैं, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था आपके शो में आऊँ। अच्छा। माशाल्लाह आप तो तकरीबन काफ़ी चैनल्स पे मॉर्निंग शो भी कर चुकी हैं, आप ये इवनिंग शो में हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, और बहुत बड़ी मेहरबानी आप आए। अच्छा, असा जे मां अनीता जे लाइ चयो त जेको आहे अनीता एंटीबायोटिक आहे, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त सही, पर वरी पुछंदासीं त इहे एंटीबायोटिक कीअं थी आहे, कॾहिं खां थी आहे, ऐं मां हमेशह सोचींदी आहियां अनीता खां माना पर्सनल सवाल कयां हिकिड़ो, ऐं विसरी बि वेंदो आहे करे करे, छो जो मुंहिंजी त हिकु सुठी दोस्त बि आहे, कुलीग बि आहियूं असां पाण में, जॾहिं बि असां मिलंदा आहियूं इलाही इज़त ख़ुलूस प्यार सां मिलंदा आहियूं, त अनीता खां मां पुछंदसि। जीअं अनीता, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हांजा एतिरा परस्तार आहिनि, चाहींदड़ हूंदा आहिनि, पर जॾहिं बि का सेलिब्रिटी असां साम्हूं ॾिसंदा आहियूं न, मतिलबु जीअं मां चवंदी मां अनीता जी फैन आहियां, त मूंखे इहो मतिलबु हूंदो आहे त यार ॾिसां अनीता पंहिंजी पर्सनल लाइफ में छा कंदी आहे, कीअं घुमंदी आहे, कीअं फिरंदी आहे, हिन फील्ड में कीअं आई। त सभु खां पहिरियां इहो ई ॿुधाइजो त तूं हिन फील्ड में कीअं आई, कीअं शौक़ु पैदा थियो? मुंहिंजो स्टार्ट जॾहिं मां स्टार्ट कयो हुयमि त मां मॉर्निंग शो ॾिसंदी हुयमि हिकिड़े चैनल ते, ऐं असांजो पंहिंजो सिंधी चैनल ई आहे, उहो होस्ट कंदी हुई माहम, त उनखे ॾिसी मां हिकिड़े दफ़ा ईअं शो ॾिसां पई त उनखे ॾिसी मां इम्प्रेस थी वियमि। हालांकि हुनजी सिंधी क्लियर न हुई, पर हुनजो जेको वे ऑफ टॉकिंग हुयो न, होस्टिंग ॾाढी सुठी पई करे, उहा ॾाढी सुठी होस्ट आहे, उर्दू चैनल्स ते कमु कंदी आहे, उनखे ॾिसी मां इम्प्रेस थी हुयमि। ऐं मां जॾहिं मीडिया में आई हुयमि त मां उनखां पहिरां जॉब कंदी हुयमि। अच्छा। हा, जॉब कंदी हुयमि त मुंहिंजो वे ऑफ टॉकिंग त हुयो मूं वटि, पोइ मां होस्टिंग स्टार्ट कई, ऐं होस्टिंग जो ई मूंखे शौक़ु हुयो, एक्टिंग जो शौक़ु वरी मूंखे पोइ थियो बाद में। हा, बाद में थियो, ऐं एक्टिंग जो वरी पंहिंजो मज़ो आहे, होस्टिंग त तव्हां नेचुरल हूंदा आहियो, जीअं तव्हां होस्ट आहियो ईअं मां जीअं होस्ट, बल्कि तव्हां मूंखे पर्सनली सुञाणो बि था त मां उहो ई ॻाल्हाईंदी आहियां प्रोग्राम में जीअं नॉर्मल लाइफ में, हा नॉर्मल लाइफ में आहियां मां, त ईअं ई बसि अचणु थियो। ऐं मां चवंदी आहियां शौक़ सां गॾो गॾु न इंसान खे महिनत जी तमामु घणी ज़रूरत हूंदी आहे। मां महिनत इलाही कई, मां इलाही स्ट्रगल कयो इन 9 सालनि में, मूंखे पंहिंजो स्ट्रगल अॼु ताईं यादि आहे, छो त तव्हांजी लाइफ केतिरी बि तव्हां किथे तव्हां नालो कमाए वञो न, अला सां इज़त ॾिनी आहे, अला साईंजा लख अहसान, ऐं माण्हू आहिनि जेके प्यार ॾींदा आहिनि, मोहबत ॾींदा आहिनि, तव्हां सभिनीनि जूं मोहबतूं आहिनि, छो त तव्हां खां सवाइ त असां कुझु आहियूं ई न, त उनजे करे महिनत जे करे तव्हां कंदा आहियो न, त पोइ तव्हांखे अला साईं बि सिलो ॾींदो आहे। महिनत तमामु घणी ज़रूरी आहे, महिनत सां गॾो गॾु पढ़ाई, हर तव्हां कंहिं बि शोबे में वञो त पढ़ाई फर्स्ट ऑफ ऑल, तव्हां क्वालिफाइड हूंदो त तव्हांखे ॻाल्हाइण बि ईंदो, कंफ्यूज न थींदव तव्हां, बसि ईअं ई अचणु थियो। मुंहिंजी फैमिली मूंखे इलाही सपोर्ट कयो, मुंहिंजी अम्मी
मुझे कड़ी गाल मजेदार बुधा मैं एकड़ो प्ले कयो हो फर्स्ट टाइम मैं प्ले कयो हो केटीएन जो ही प्ले हो वो कॉमेडी मुझे अबू के नो ही खबर तो मैं प्ले करे आई अच्छा मुझी अम्मी के मां चो मम्मी मां करे ताई है रिकॉर्डिंग हाने संभाले वट जा अच्छा मुझे बाबा पढ़े लिखल आ कराची में ही असा रहा हूं पैदा भी कराची में ही थी आया मां पर एकड़ो थिनो ना ड्रप जायरा असा सिंधी हाने इलाही अगते वदी वे आयो पर आज का 9 साल पहला जद मां आई हुम मुझे खानदान सजो पढ़े लिखल आ मुझे कजन्स डॉक्टर्स वगैरह पर टीवी जी स्क्रीन ते असा थोड़ो हो कंदा आयो तो मां पेंजी अम्मी के जो संभाले वट जा तो मां प्ले करे आयम बटरेडियन का पो मुझे अम्मी मुझे अबू के ना बुधायो अबू के पा चो तू केटीएन को प्ले करें या ड्रामो करें आई मां चुम हाँ तो मुझे अबू मुझे सुठो फीडबैक दिनों तो सुठी एक्टिंग करें आई तो मुझे दिल अजा वही अज ती भी मुझे अम्मी अबू जो मुसा साथ इवन तुम मां प्रोग्राम्स में वेयरिंग कहती आया स्पेशल जी असा शोज थी कल्चर डे हो केटीएन की बर्थडे सेलिब्रेशन हो या खिलभोग कहती है उनमें मुझी अम्मी मुझी ड्रेसिंग में मुझे साथ दी मां शॉपिंग से अम्मी से गुड वी ये शयो आए मतलब उन्हें सिलेक्शन अनया वधिक आता वधिक सुठिया मुझे अम्मी जी मुझे नंडी सिस्टर आनम उनन जी डाडी सुठी सिलेक्शन अच्छा जने बे सपोर्ट ने ना फैमिली जी वो सा हर कम मतलब करे सुठो करे ना मुझे ख्याल सा ता जी अम्मी ए ता जी बहन जे का ता जी दोस्त हुनी है ना उन का वधिक ता जो सुठो दोस्त कोई नहीं बिल्कुल सही आई वाकई में मतलब भेणियो जके न सुछु दोस्ती हुंदी न आई वरी जने भेणियो जी शादी थी विया न पो कमी महसूस थी दी है कमी महसूस थी है मुजी एकडी नंडी सिस्टर अनम जका मुसा गड हुई मतलब सब मैरिड हु मा वरी अमियारा ने घणो इंदी विंदी होम त उन जी हाने अगस्त में शादी थी आ मतलब 5-6 महीना पेरिया मां घर इंदी होम त उन के चंदी हे खणी दे मानी खणी रे खणी दे हाने हो ना है त मुके कमी महसूस थी दिया वरी जडा घुमण इंदी है वरी भी मान के चंदी हे कडी रे कडी चंदी आप ही तो मुजी जान न छडी आ उन जी कमीलाई महसूस थी दिया चो त मुसा इलाई गड रही आ घुमण फिरण हर शे में ता भी शादी थी हुंदी न उनन शाइन में उन जी कमीलाई महसूस थी दिया बाकी भी आ भेरू त दोस्तन वांगु रहंदा न सारा तो जो कचहरी वरी चाय एकडी चाय ठाई दिया वरी भी पियन दियो ने मतलब असा वरी आयो भी पंज भेणू न असा भी पंज भेणू मजो तने इंदो हां ब्यू सिस्टर्स भी मुझे सुठियो आयन मुझी वरी सिस्टर भी सब कराची में ही आयन मोरो में आए एकडी उन के बस याद करना आयो इंडिया इवेंट थिनो न असा घर में कोई नंडो भी इवेंट थिनो न असा पेनी मोरो वाली सिस्टर के भी घुराई इने करे असा चंदा उन भेणा परते आ त छा मतलब दिल चवंदी आ उन के घुराइन ते बस ये गालियों आएं बाकी आई कोई ना भी अच्छी सगदा तब बस वीडियो कॉल ते लगा पे होदो ये तो करी ही ना हां एग्जैक्टली मजो इंदो आई लाइक मुझे अम्मी खास तौर ते जे इवेंट ते वना अच्छी सगंदी आ ना पिक्चर्स चंदी आ ता सबनिन का पेरिया हां उन डिसेंड कयो बिल्कुल मुझे क्या था टॉकबैक में का आवाज आई आ ता ने अच्छा ये सुठी गाल है छो जो सा जाहिर गला अनीता डाडी सुठी गाल कई त पेंजी मां आई भेण खा वधिक का सुठी दोस्त आ जी नथी थी सके आई मां त वडे में वडी दोस्त हुंदी है भला डॉक्टर साहब भी अस सगरा डॉक्टर साहब का पुछना सी अनीता सा पुछना सी छोकरियों के ना प्रॉब्लम इन स्किन जा स्किन के वाले सा गलाइंदा सी डॉक्टर साहब का जे हाने गर्मी पियो अचन त स्किन जा प्रॉब्लम्स वदी विंदा छो जो सारे जो सारे में असा जे के एहतियात किया सी वरी हाने वो उल्टो थण वारो है गर्मी अची वयो है बल्कि अची वयो है अचण वारो छन डॉक्टर साहब का पुछना सी अच्छा डॉक्टर साहब जैसे अभी गर्मी आ रही है आ नहीं रही मतलब आ चुकी है ये समझ ले तो अभी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे तो उससे कैसे बचा सकता है देखिए स्किन के प्रॉब्लम से इस तरह बचा जा सकता है कि जैसे कि अब आज का जो टेम्परेचर था कराची के अंदर 31 सेंटीग्रेड था इसमें वाटर इनटेक ज़्यादा करना चाहिए अब अच्छा। जैसे कि सर्दियों में तो मर्द हों या ख़वातीन बच्चे हों या बूढ़े पानी का इनटेक बहुत कम कर देता है इससे अच्छा। हमारे जिस्म का डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है आपको चाहिए कि वाटर इनटेक अच्छा रखें ख़ासतौर पर जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू होंगी इसमें 8 से 10 गिलास पानी पिएँ और साफ़ सुथरा पानी पिएँ बॉयल पानी पिएँ और जहाँ साफ पानी की यानी कि मिनरल वाटर की सहूलत नहीं है वहाँ पर पानी को बॉयल करके पीना चाहिए हमारे देखें पाकिस्तान में तकरीबन जो शराई सतह जो बढ़ गई है हेपेटाइटिस की वो सिर्फ नाकस पानी पीने की वजह से है अच्छा तो पानी उबला हुआ साफ़ सुथरा अच्छा पीना चाहिए और जैसे कि गर्मियां शुरू हुई हैं इसके लिए बहुत ज़बरदस्ती होम रेमेडीज़ होती हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी होम रेमेडीज़ बताई जाएँ जिसका ख़र्चा भी कम हो आपके किचन में रखी हुई चीज़ें हों आपके फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हों उससे आप जो है आसानी से वो बना सकते हैं अब जैसे कि गर्मियाँ शुरू हुई हैं आप बाहर गए हैं या वो ख़वातीन जो यानी कि फील्ड वर्क में जॉब करती हैं या वो मर्द हज़रात जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनके हाथ और चेहरा सन बर्न हो जाता है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल जो होता है वो बड़ा कारामद है अच्छा। आप 2 इंच के पीस एक जो है एलोवेरा जेल ले लें और उसको काट कर एक बॉल में रखें और उसके साथ आपने क्या लेना है संदल वुड
संदलवुड इजीली जी हां मार्केट में मिल जाता है, उसको डेढ़ चम्मच आप रखें और इसको आपने दही के अंदर मिलाना है। अच्छा, यानी कि जो एलोवेरा जेल लिया आपने उसको मैश कर लें अच्छे तरीके से, संदलवुड डालें उसके अंदर, दही के अंदर मिलाकर और अच्छे तरीके से गीले हाथों से ही आपने चेहरे, गर्दन, कानों, हाथ पर लगाएं, 15 से 20 मिनट उसे लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने चेहरे को रोज वाटर का पहले स्प्रे करें और उसके बाद वॉश ऑफ कर लें। अच्छा, ये हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए? हफ्ते में 3 मर्तबा काफी, 3 अगर आपको बहुत ज्यादा आना जाना होता है। अच्छा, और वैसे वो वाटर और शुगर का जो क्लींजिंग होती है ये आप डेली भी कर सकते हैं, यानी कि आप चीनी ले लें 2 चम्मच और उसमें अर्क गुलाब या सादा पानी डालें और इसको जो है अपने पूरे फेस पे लगाकर आप क्लींजिंग करें। आप इवन के आप अपना मेकअप भी अगर इसे उतारें ना तो आपकी स्किन पे कभी भी कोई धब्बा नहीं पड़ेगा, आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स नहीं होंगे। जो खवातीन जॉब करती हैं, मेकअप डेली करती हैं, तो वाटर क्लींजिंग जो है ये बहुत बेस्ट रहती है। अच्छा जी, अच्छा, वो क्लींजिंग करने के बाद क्या फेस को किससे, मतलब वो फिर सादा पानी से नहीं, फेस वॉश से धोएं? फेस वॉश से आप धो सकते हैं इजीली, बिल्कुल। आपने जैसे शुगर वाटर मार्क्स बनाया, बनाने के बाद तमाम आपका जितना भी डस्ट होता है, जितना भी मेकअप होता है, इजीली आपका उतर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे पानी की बात की तो कहते हैं कि निहार मुंह पानी पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं, तो वो कौन कौन से फायदे हैं? देखिए, नहार मुँह पानी पीने से एक तो हमारे जिस्म का डिटॉक्स रिलीज होता है, जो हमने रात का खाया पिया हुआ होता है, हमारा जो ब्लड फिल्टर होता है उससे, और ये जितना भी हमारे शोल्डर से लेकर गर्दन से नीचे तक का जो हिस्सा है ये हमारा इसमें पानी में डिप होना चाहिए। अच्छा। हमारे तमाम ऑर्गन जो है वॉश होते हैं, हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ग़िज़ा की नाली में जब पानी जाता है तो हमारे खाना जो हज़म होने की तरतीब होती है वो आसान हो जाती है, पेट के अंदर, बड़ी आँत में, तमाम इससे जितने भी फिल्टर होते हैं, जहरीले मादे जिसे कहते हैं, वो सारे रिलीज हो जाते हैं। अच्छा। तो सुबह नहार मुंह आप पानी पिए, जिन लोगों को आदत नहीं है वो एक गिलास पीने की आदत डालें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 गिलास पिए। अच्छा, वो नीम गर्म हो या नॉर्मल? देखिये, वैसे तो नीम गर्म हो, लेकिन अब गर्मियां हैं, नीम गर्म तो पी नहीं सकते, तो सादा ही पी लें, तो जो है वो इंटेक आपके जिस्म में आना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट आप प्रॉपर अच्छी रखें। अब पता क्या होता है कि जैसे ये खाना ही जो है ना हमारे जिस्म के अंदर ताकत मुहैया करता है। ताकत दरअसल क्या चीज़ है? ताकत एक लुआब का नाम है जो हमारे जोड़ों, पट्टों को मुहैया करता है और हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करता है, और ये हैप्पी केमिकल हमारे माइंड से, दिमाग से जो है यानी कि महसूस होते हैं। आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें हम जो आँखों से देखते हैं हमारे माइंड में जाती हैं चीज़ें, और फिर वहाँ से ही तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम किचन में काम कर रहे हैं, हमने किसी का जो है हाथ कटा हुआ देखा या कोई एक्सीडेंट देखा, तो एकदम आपके जहन में क्या चीज़ आ जाएगी? वही चीज़, यानी कि खौफ एक वो हो जाएगी। और अगर आप कोई लजीज खाने देख रहे हैं, बिरयानी और पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड टाइप की जो चीज़ें देख रहे हैं, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ दिमाग से तमाम चीज़ें होती हैं। अपने दिमाग को मेंटली तौर पर अच्छा रखने के लिए 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और जैसा कि मैम ने अभी बताया कि ये माहम की बहुत यानी के फ़ैन भी हैं और उनसे काफ़ी इन्होंने यानी के होस्टिंग का शौक उनको देख के हुआ। सही। तो माहम से यानी के मैंने बहुत शो किए हैं उनके साथ। अच्छा। मॉर्निंग शो जो किए हैं और ये सही बता रही हैं। आज वो जो है आज तक देखें स्लिम है, हालांकि शादी भी हो गई। क्या है, वो स्विमिंग की बहुत दिल दादा है, यानी के ना। अच्छा। स्विमिंग बहुत शौक से, साइकिलिंग और जॉगिंग, सुबह की एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत बेहतरीन रहती है। और स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और उसके अंदर साथ साथ जिन लोगों के कद छोटे होते हैं या जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनके लिए स्विमिंग अगर करी जाए तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। देखिए, थोड़ी देर के लिए भी हम अगर पानी में रहते हैं तो हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, बिल्कुल। तो अगर स्विमिंग करें तो उससे ज्यादा ही भूख लगती है। कॉल आए, दिस इज द कॉल टिकेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हो आप ही? बिल्कुल ठीक। केर किथा का? अनीता का लाया, कराची का। अनीता नाले वाला जी, जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल वे थी पर कॉल जो है बिजी होंगी है, सब कॉल मिलाई बिजी नंबर वो कुछ चवण चाहिए अनीता से गलाड चाहिए ना पिन बिना बुदंदी आ वे कमरे में मनी आ दी आ वरी सुबह ते रिपीट बुदंदी आ। अच्छा, मां चो अनीता से गलाड चाहिए थे पिन नाले भायणी सा। जी जी, गलाओ की आयो अनीता? ठीक आयो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की आयो? ठीक आयो जी, ता अभी ठीक आयो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक।
अनीता जो प्रोग्राम दिसनी है पुतनी रंदी हां वरी मेहरबानी थैंक यू जयती दिसनी है तां जो प्रोग्राम ओना में कॉल ना करंदौ जा न ओना में कॉल जिने करे ना ना है छो त करैक्टर जे के हुना है न वो तां के खिलराइन जे लाए हुना त तां खिलना क्यों मुस्कुराइना क्यों कॉल जे कने वडनम तो पो टाइम घट बचंदो है मुझे प्रोग्राम जो तदा महरूम है मतलब तुझो आवाज बुधंदी ना सुणे वी तो हाँ अनीता है अगर अच्छा न हुई खबर खबर प्रोग्राम में कॉल्स ना तेंजे करे अदी चयो वडी गाल ता मुझी बात की वारी आवाज भी समझी वणो ता मुझे हसीना पोपरी चयो तो वो मुझे ड्रामो आ वा ता आवाज समझी ना वडी मानन की ना कुदरती दात वडी हुई है अच्छा डॉक्टर साहब ये ना आंखों से जो है ना वो बचपन से ही नहीं देखती लेकिन वो हमारी आवाज से पहचान जाती है कि ये अनीता का शो चल रहा है या अजरा का चल रहा है या अगर वो आपको सुनेगी तो ऐसी हिस दे देता है इंसान को जो चीज की कमी होती है लेकिन एक चीज की जाती हो जाती है जिससे इंसान हर चीज पहचान लेता है अच्छा मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ उनको कैसे पता चलता है वो कहते हैं हम महसूस कर लेते हैं ना वो चीजें जैसे आपने कहा ना कि हमारा माइंड है हम माइंड से सारी चीजें वो करते हैं तो इनको भी ऐसी कोई मतलब चीज कुदरतन मिली हुई है असल में हम लोग देखते हैं तो हम बोलते ज्यादा है वो बोलते नहीं है तो उनको वो एक तेजी होती है तो वो आहट से हर चीज से और मैं तो ये कहता हूँ देखिए खवातीन अक्सर बेशतर अमूमन ये कहती है हमारे पास टाइम नहीं है टाइम मैनेजमेंट अगर निकालें ना और देखें अपने आप को अक्सर और बेशतर ये होता है कि शादी से पहले तो बड़ी एक्सरसाइज होती है और बहुत ख्याल रखा जाता है स्किन का भी कि स्किन पे कोई पिंपल्स ना निकल जाए एक्ने ना निकल आए आप फेशियल भी करवा रहे हैं और जो है क्लिंजिंग भी कर रहे हैं लेकिन शादी के बाद अमूमन जो है तमाम चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो ऐसी खवातीन को ये चाहिए कि वो देखें आईना सबसे अच्छा दोस्त होता है तो वो उसके जो आपको सामने आप असलियत दिखाता है असलियत दिखाता है एक्चुअली पता है आप देखें आपने खदोखाल देखें शादी से पहले या बाद में क्योंकि देखिए महंगाई इतनी ज्यादा है बहुत ज्यादा महंगाई के साथ साथ अब जो है गर्मियां शुरू हुई हैं तो यकीनन लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी बहुत सारे इलाकों में तो अभी तक हो भी रही है तो अब ये चीजें होती है इससे क्या होता है इंसान वैसे ही टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है बच्चों की जिम्मेदारियां हस्बैंड की जो ज्वाइंट सिस्टम में रहती हैं उनको इनको ये चाहिए कि अपने लिए तकरीबन आधे घंटे का वक्फा निकालें आधा घंटा अगर निकालेंगे तो आप ये देखिए फिर ये देखिए कि हमारा वज़न कितना बढ़ गया है मेरे क्लिनिक में अक्सर बेशतर ज़्यादातर जो आती हैं खवातीन ओवरवेट होने की वजह से ओवरवेट जब होता है इंसान तो वो 10 बीमारियां उसके साथ हो जाती हैं बिल्कुल ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर शुगर और जॉइंट्स पेन ये चीज़ें इस तरह की होती हैं जॉइंट्स पेन तो आजकल मतलब नहीं भी हो मोटापा थोड़ा नॉर्मल भी अगर हो तो काम करने से जिस तरीके से तो हो जाता है जॉइंट पेन चले आप जो है अगर ये देख लें अगर कॉल है तो नहीं तो अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अदा केर किथा का वालेकुम सलाम देरमा मुश्ताक मेहमूद को बुलाया जी जी मशहूर गानो छदे वने दी गाल न कर मता तो का आगे मुजो साहब वने अनवर हुसैन रिश्ते जो बाहर केपीएन की रिकॉर्डिंग हुई कराची का कराया पियो जी जी तहां के तमाम प्रोग्राम भलो आ बड़ी मेहरबानी रोज दिसंदो आ रेगुलर बड़ी मेहरबानी तां जी भा जी मैं अभी हिने वक्त प्रोग्राम दिसो पिया आई अरे दिसा पियो आई अनीता साहिबा जी देखा अल सामो बेटिया उन्हें जी होस्टिंग उन्हें जी मार्केटिंग हर शे मोजी आइडिया ला और थैंक यू कहा के रिंग किया थैंक यू के वेलकम जमा ता के प्रोग्राम में वरी मेहरबानी लख कुर्बा भा थैंक यू वरी मेहरबानी भा ता कॉल कई आई जो कहे अप्रिशिएट कयो अनीता के भी यही वरी इकड़ी असन जी ना अचीवमेंट हुंदिया ता के यही शे हुंदिया छो त असा कम कंदा यूं स्क्रीन ते आन ता प्रोग्राम कयो था और जब तारीफ हो जाती है तो समझ लीजिए वो ऑक्सीजन की फराहमी का हौसला अफजाई हो जाता है हौसला ओने जे तरफा मुझे करे दुआ सलाम के तो वरी शुक्रिया जी जी बिल्कुल अनीता गल है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम की आयो भा ठीक आयो मुश्ताक मेहमूद पे और क्या जी जी वरी मेहरबानी ता मॉडलिंग थैंक यू या ता जे पा जी जेका भी आइटम अचन था ओए बिल्कुल वदे शौक सा दिसंदा आयो मेहरबानी भा थैंक यू असा के दादो फखोरा
बिल्कुल ये सब तां जे लाए आइन तां दिसंदन जे लाए आइन भा अल्लाह का तोरा वा तां जे खुश रखे मेहरबानी सदा खुश रहो थैंक यू अल्लाह का के ना बताए आमीन आमीन थैंक यू सो मच भा वडी मेहरबानी छो त असल में मां पहिरां जॾहिं प्रोग्राम कंदी हुयमि त मां कॉल्स वठंदी हुयमि न हाणे कॉल्स वठां नथी ड्रामे में एक्टिंग कंदा आहियूं त एक्टिंग त सिर्फ़ु एपिसोड ऑनियर थी वेंदो आहे ऐं भा तव्हां चयो त मां तव्हांजी आइडियल आहियां थैंक यू सो मच बूसट जहिड़ो माहौल न असां दुनियावी तौर ते चई सघूं था त बूसट जहिड़ो माहौल आहे पर असल में जिथे जंहिं चैनल ते जीअं हाणे मां KTN ते कमु कयां पई त असांजे हिते ॾाढो सुठो माहौल आहे हा इहा ॻाल्हि तव्हांजी 100% सही आहे त जेको ॿाहिरि जो माहौल आहे उन हिसाब सां बूसट जहिड़े माहौल में कमु करणु पर मां चवंदी आहियां त जेकर छोकिरियूं अॻिते वधनि हिमत कनि त वधी सघनि थियूं पियूं ऐं मां कमु कंदी आहियां सिर्फ़ु तव्हां सभिनी ॾिसंदड़ जे लाइ तव्हां एतिरो फीडबैक ॾिनो इहा ई शइ हूंदी आहे जेका न इंसान जो दिलि वॾो करे वधीक हा असांजी हौसला अफ़ज़ाई अच्छा एक तो जो है आपके माशाल्लाह शो की मुनासबत से अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से जितने भी आपके लाइव कॉलर जो कराची के हैं उनको मैं गिफ्ट देना चाहूँगा अच्छा। तो वो हमारे ब्यूटी सैलून में आकर जो है वाइटनिंग क्लींजिंग और हेयर कटिंग या फिर मैनिक्योर तीनों में से कोई भी एक चीज़ विन कर सकते हैं जितने भी लाइव आज कॉलर होंगे हाँ और हाँ। जो है उनको और जो कराची से बाहर वाले भी हैं जाहिर बात है आपका तो ये शो माशाल्लाह पूरे सिंध में नहीं बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया में देखा जाता है तो जिनको जॉइंट पेन की तकलीफ है उनके लिए हमारे पास ये मैजिक यानी कि बॉक्स है और ये मैजिक बॉक्स ये वर्किंग करता है अगर इसको जरा सा सही क्लोजअप में देखें आप तो ये जिन लोगों को जोड़ पट्ठों में दर्द है ये फौरी तौर पर उससे रिलीव हो जाता है अभी देखें कितना लिक्विड है ना ये ठीक है इसको हम यहाँ पे एक क्वाइन लगा हुआ है इसको हम ये ट्विस्ट करेंगे ये मैंने ट्विस्ट कर दिया अच्छा। ठीक है इसके बाद ये जो है ये हीट इसमें आनी शुरू हो जाएगी ये यानी कि गर्म होना शुरू हो जाएगा अच्छा और इस पॉइंट को पुश करने से जी बिल्कुल इसको करने से और इतना तेजी से यानी कि वो शुरू हो जाएगा कि वो हीट पकड़ना शुरू हो जाएगा अब आपके अगर जैसे शोल्डर में पेन है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसके साथ आप इजीली जो है इसको यानी कि लगा लें तो फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाएगा अच्छा। यानी कि ये हॉट होना शुरू हो जाएगा ये देखें आप ये चेंज हो रहा है इसका स्मोक टाइप का बन जी बिल्कुल सही, सही, सही। ये इसको क्या कहेंगे इसको जो है ये देखें गर्म होना शुरू हो जाएगा जी इसको कहेंगे क्या ये मैजिक बैग होता है ये जिन लोगों को शोल्डर पेन होता है और इस तरह की चीजें होती हैं उन लोगों के लिए ये है तो उन लोगों के लिए भी आज हम इनाम लाए हैं अप्सरा क्लिनिक की जानिब से अच्छा। क्योंकि हमारा अप्सरा इजी पेन को बरसा बरस पुराने जितने भी जोड़ों पट्ठों के दर्द होते हैं उनके लिए फिलहाल ये हम इसको सिर्फ ये कुछ नहीं करना आपको अब जैसे बुजुर्ग हैं कंधे में दर्द हो गया जी बिल्कुल हमने ये यूज कर लिया उसके बाद फिर हम इसको कैसे रखेंगे सही करके अच्छा अब देखिए ये जैसे कि इसको रखना इस तरह है तेज गर्म पानी के अंदर हम इसे बॉइल करेंगे तो फिर बाद में ये लिक्विड अच्छा अच्छा ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी डिटेल में इस पर थोड़ी बात करते हैं लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया है रंगन मेरी शाम में ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक का पोई वरी ऐसा सब कर रहे सभी के भलीकार कहूँ था खूबसूरत मेहमान असन डॉक्टर साहब असा अनीता असा सही खूबसूरत कचहरी हल पी डॉक्टर साहब जी असा के ही कुछ मैजिक बुधाए पो तो जैसे किथे भी सूर हों मू के कुल्हन में सूर हों जो गोडन जो सूर है चेल जो सूर है किथे भी तक रखी कर हीट दई सो दुख सूर दर्द खत्म कर सो डॉक्टर साहब का पुछदम इनकी लाइफ केतरी है जी इसकी लाइफ ये है कि बस इसको यानी कि कट नहीं लगना चाहिए अच्छा। अगर कट लगेगा तो इसका लिक्विड जो है फिर यानी कि रिपेयर सही नहीं हो पाएगा अच्छा। इसको आप चलाएं और इसको जिस तरीके से ये लिक्विड के बाद जब ये इस तरह का जेली फॉर्म में हो जाता है तो ये तकरीबन आधे घंटे तक गर्म रहता है गर्म रहता इसके है। बाद जो है आप इसे तेज़ गर्म पानी में बॉयल कर लें हाँ। बॉयल करने के बाद फिर ये वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जी बिल्कुल फिर आप वही ट्विस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद शुरू अच्छा फिर आप उसी पोजीशन में आ जाएगा तो आप फिर वो पुश करके रख सकते हैं अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के अंदर इतना अच्छा इन जॉइंट्स पेन का इलाज है जो कि यानी कि फिजिकली वीक हैं या बहुत ज्यादा मोटापे की वजह से जिनके जोड़ों पट्ठों में दर्द रहता है
कमर की यानी कि रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है इसकी जो सिर्फ बिक्स हो जाती हैं अक्सर बेशतर गर्दन में दर्द रहना मोहरों में, उसका इतना बेहतरीन इलाज है कि जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपके घुटनों का लुआब ख़त्म हो गया है, आपकी कटोरी में बिल्कुल भी लुआब नहीं रहा कि मूव कर सकें, या जब आप सुबह सो के उठते हैं तो जिस्म के चटकने की आवाज़ आती है, हड्डियों की बॉडी में से अक्सर बॉडी में इस तरह होती है, उसके लिए हमारे पास अप्सरा इजी पैन गो जो है उसकी दवा होती है और इतनी बेहतरीन है कि उसमें ज़्यादातर जो है विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 शामिल होता है और बेहतरीन ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाता है, यानी कि बरसा बरस पुराने। अच्छा। बाद लोगों को अरकुनिसा का दर्द होता है, लंगड़ी का दर्द होता है, जॉइंट्स पेन, शियाटी का और मैस्कुलर पेन भी होता है कि आप किसी चीज़ को मुसलसल सोच रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस से जो है यानी कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जब स्ट्रेस में होंगे तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि आप वॉक करें, या अपने माइंड को चेंज करने के लिए किसी अच्छे दोस्त से, अपने फैमिली मेंबर में किसी से भी फोन पे बात करें तो फौरी तौर पे आप फोन पे बात करने की बात पे ना फोन ही आ गई। देखते कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की आयो? बिल्कुल ठीक, ताने सामो ता बुधायो, की आयो दी? ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह, मां बिल्कुल ठीक आया, माशाल्लाह दादा प्यारा पे लगो, असने सामो आयो दादा सुठा पे लगो, माशाल्लाह माशाल्लाह, वडी मेहरबानी ता जी। बियो बुधायो, प्रोग्राम दसो पियो? हाँ हाने दिसन शुरू कयो तम ता जो प्रोग्राम हाने दिसन शुरू कयो छो लाइट कोन हुई छ ना ता मके सुना तो लाइन सुना तो नालो त न खयो मुजो तमा शाजिया फ्रॉम हाला बिल्कुल मा सुनाने में मा नालो नालो खयो मके दाडी खुशी थी नने मा आवाज सुनाने में छो ता तो ही केटी हर प्रोग्राम जा रेगुलर कॉलर रहयो मां जैसी तै जा भी आवाज सुनाना त बोला पो नालो खंद पर हाने मा ता आवाज सुनाने वई आया। हां थैंक यू सो मच। हाँ तो असने हन प्रोग्राम जा भी जको है ना छा चन घर भाती थी वेयो ना। हां मेहरबानी, हमेशा मतलब तमाम घर रिस्पेक्ट मिलंदी है केटी ने प्रोग्राम्स मा तरी त मुजी भी दिल चवंदी है तवा सा गालाण ते तमाम बेहतरीन तमाम जबरदस्त प्रोग्राम पे हले तमाम जबरदस्त गेस्ट हमेशा इंदा रहंदान शाम जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तां चयो त मां शाम जो इंदी आज भी मां शाम जो ही आई है। हां बिल्कुल तां जो अक्सर शाम जो ही प्रोग्राम हलंदो है पर मुखे वरी लाइव प्रोग्राम्स डाटा वणंदा है। हां असल में मुजो जो शेड्यूल आ इलाही बिजी आ त तें जे करे मुजो प्रोग्राम रिकॉर्डेड हलंदो आ। हां बिल्कुल खैर अति तक मतलब नो को प्रोजेक्ट तां जो नेर को आए ड्रामो हलंदो आ केटीएन ते सॉन्ग बुधायो सॉन्ग गाया है ना सिर्फ मतलब ना मां सिंगर ना आया मां एक्टिंग हां सिंगिंग दासा तानी बुद्धि ना है थोड़ो सिंगिंग के बारे में बुधायो। सिंगिंग मां कंदी ना बस गुनगुनाईंदी आ या सम टाइम पे प्रोग्राम में भी गुनगुनाईंदी आ बाकी। अच्छा आज असा लोग गुनगुनाए कुछ बुधायो भला ताके भी गुनगुनाए हुई है अनीता देव आदि ता की आयो बिल्कुल ठीक है दिसु ता अनीता जो काए फरमाइश ता कई ता है दिसु ता पूरी करायो ता। हां डॉक्टर साहब का बस यही सवाल हो ता जो चेल दे सूरज हो। जी जी बिल्कुल बे वरी ता जी के कयो का असानी सवाल हो नन वारन जे बारे में स्किन जे बारे बे को स्किन जे बारे मतलब एको जस्ट सवाल मुझे ज़हन में अचे पयो जे का चिट्टी थी विंदी है ना चिट्टी चिट्टी पर्सन थी ता चिट्टी चवंदा आयो पो उन गल अच्छा। हां हां बिल्कुल हां तो थोड़ा अच्छा अच्छा दाग थी विंदा ना स्किन ते जवाब डॉक्टर साहब कालर शाजिया फ्रॉम हाल। अच्छा वो कह रही थी तो पहले तो उनका सवाल था कि मतलब आपने बताया अभी के कमर का दर्द जोड़ों का दर्द लेकिन वो कह रही थी इसके अलावा कमर के दर्द के लिए कुछ बताएं घरेलू कोई टोटका। घरेलू टोटका देखिए उसमें आप गोंद कतीरा ले सकते हैं तकरीबन 50 ग्राम। हाँ। और उसमें अखरोट की गिरी जो आती है वो भी आप 50 ग्राम ले लें और उसके साथ आप ले सकते हैं धनिया धनिया ठीक है पाउडर? ये धनिया पाउडर ले लें बिल्कुल। हाँ।
इजीली मिल जाएगा किसी भी हर्बल शॉप से, नहीं तो आप साबुत धनिया लेके घर में भी उसको वो कर सकते हैं। धनिया पाउडर तो घर में होता है अमूमन, हाँ, होता है कुकिंग में यूज होता है। इसको आप लेने के बाद गोंद कतीरा के अंदर इसमें फिर आप डालें दो इलायची, बड़ी इलायची जो होती है और एक होती है छोटी इलायची। तो मतलब उसको वो तो ऐसे ही मिलता है, वो जब हम परचेज करते हैं तो वो कतीरा मैंने देखा है कि जैसे सख्सा होता है, सख्सा होता है जी, एग्जैक्टली ये तमाम चीजें, हाँ बिल्कुल हाँ। उसको जो है आप लेकर ना फिर तवे पे यानी के करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये इंग्रेडिएंट जैसे छोटी इलायची आपने 3 अदद लेनी है, अखरोट की जो गिरी है वो 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, एक्चुअली ये टेबलेट बन जाती है फिर इससे ना। उसमें मखाने लेने हैं आपको जो मखाने में आते हैं, ठीक है, इनको आप तवे पे जो है अच्छे तरीके से भून लें, भूनने के बाद फिर इसको आप कूट लें, कूट लें इमाम दस्ते में कूट लें, और इसकी टैबलेट जो है रोजाना जो है आप नीम गरम दूध के साथ लें। अच्छा, तो बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, जब हम उसको कूटेंगे इमाम दस्ते में तो वो उस फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ गोलियां बन जाएंगी बिल्कुल जो। अच्छा, है वो फिर बाद में आप उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली गोंद जो है वो आपको चिपका लेगा, चिपकता है तो फिर उसके बाद आप इजीली जो है उसे बना। सही, अच्छी बात है डॉक्टर साहब। कॉल भी है, कॉल लेंगे, देखते कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदा केर किथा खा? अजी दुबई मालवी से ड्रामा निकल आया को। अदा रंगन मेरी शाम में ताके वेलकम करे था की आयो, ठीक आयो भा? मेर ठीक अलहमदुलिल्लाह। तो आलक था की आयो, खुश हो दी वगैरह। तां जी सामो प्रोग्राम दिसो पिया। आज तो जा करा त रूम गा बाहर सो अजी यार की तो से का ना। जी जी मजा की संग ले आंगा की तरह किया। कैसा गले इंदा? अनीता दा जी जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, की आयो? ठीक आयो। वालेकुम सलाम, ठीक है आप पूछ रहे तो कह रहे बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह तो प्रॉब्लम नहीं होता पता सारी। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी भा। थोड़े अपने माशाल्लाह तो कर रहे हो, माशाल्लाह अपने तो कर रहा हूं दो। जी भा, थोड़े ऐसे माशाल्लाह तो मजे कर रहे हो प्रॉब्लम का सब कुछ हो गया। अदा थोड़े अरसे में का थे 9 साल के बसाने हाने जाहिर थी घणी आया हाने जाहिर थी बाज़ार घने टाइम का आयम, पर असल में बस कुछ टाइम हों ना जै टाइम में इंसान इलाही घणो होती विंदो तो वो टाइम हाने आ। वरी मेहरबानी भा, लख कुर्ब थोरा। मा चला मुजे दोस्त दिस जाओ। जी भा, आया ब्राह्मणी कैम ब्राह्मणी छुट्टा ब्राह्मणी रसा ब्राह्मणी जे बतावा के यार। जी जी आई पास का ना दोस्त कर का वजीर ब्राह्मणी। जी आई उमत्री ब्राह्मणी फारू ब्राह्मणी। वडी वडी मेहरबानी सभी जी प्रोग्राम दिसन जी ता दुबई में कॉल कई, थैंक्स वडी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब मैं ये बता रहा था कि जिस तरीके से जॉइंट्स वेन में आप ये टैबलेट जो बना के आप खाएंगे दूध के साथ लें, लेकिन साथ में एहतियात भी बहुत जरूरी होती अच्छा। है अच्छा, किसी भी जब मर्ज के लिए आप दवा लेते हैं तो एहतियात लाजमी आपको करना चाहिए। जैसे बड़े का गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा। चावल, आलू, केला, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं ठंडी और बादी चीजों से इन लोगों को परहेज करना चाहिए। करनी चाहिए तो फिर जो है इस दवा अच्छा का ये एक गोली लेनी है रोज। जी हाँ, एक गोली सुबह शाम। सुबह शाम दूध के साथ? दूध के साथ। अच्छा, अगर दूध कोई ना ले तो पानी के साथ भी चल सकता? देखिए जिसमें विटामिन डी की कमी जो है वो दूध ही पूरी करेगा सही तरीके से। कैल्शियम मतलब दूध अगर कोई नहीं पीता वो दवाई समझ के पी ले उसकी थोड़ा सा, यानी कि उसमें आप कोई भी फ्लेवर डाल दें आराम से। दूध तो पीना चाहिए, बहुत सारे लोग उसकी शक्ल बदल के भी पी सकते हैं कस्टर्ड। और उसका दूसरा सवाल था की स्किन पे वो व्हाइट कलर के दाग हो जाते हैं ना, बर्स के धब्बे, हाँ इस तरह के होते हैं। देखिए अगर तो स्टार्ट है उसका तो फौरी तौर पे वो रिकवर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, कम से कम इतना हो जाता है कि आपके जिस्म में फैलता नहीं है वो। हाँ। तो उसके लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर होती हैं कि बारिश के पानी के अंदर जो है सूरह कौसर अगर 7 मरतबा पढ़ के पी लिया जाए तो उससे फौरी तौर पर यानी कि रोकथाम हो जाती है। अच्छा। और ये जो वाइट धब्बे होते हैं ये फौरी तौर पर स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को बाय बर्थ होते हैं तो वो तो खत्म नहीं होते। बाय बर्थ होते हैं तो वो तो पदम टाइप का होता है, वो फिर खत्म नहीं होते हैं। ना पदम जो ही तो पूछे पाई चिट्टी तो पदम आना। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर वो सर्जरी करवा के ही खत्म हो सकता है। पैदाइशी तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाद वाला मैंने देखा है कि काफी लोगों अक्सर को पैदाइशी भी होता है ज्यादातर अभी आप पूछ रही थी ना कमर के दर्द के लिए, इसके पास हमारे पास इस तरह का एक इजी पेन गो ऑयल होता है
कि जिन लोगों को फालिज हो जाता है, फालिज के बाद फौरी तौर पे रिकवर नहीं होते क्योंकि वो फिजियोथेरेपी पूरी नहीं करवाते, तो वो ऑयल इतना कवर करता है कि आपकी बंद रगों को खोलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हर कोई आपकी क्लिनिक पे नहीं आ सकता, आपको अभी जैसे प्रोग्राम के थ्रू लोग पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे हैं, तो कैसे रابطہ करें आपसे, कैसे वो चीज मंगवाएं? अभी स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे होंगे, उसे नोट कर लें। और जिनके पास जो डिटेल मालूम करना चाहें कि मैं किस किस डिजीज का इलाज करता हूँ, तो हमारी फेसबुक आईडी है और यूट्यूब चैनल भी है हमारा, अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक, और आप डॉक्टर रिजवान के नाम से, तो उस पर जाएं तो तमाम तफसीलात उन लोगों को फेसबुक पे मिल जाती हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर चल रहा है, शो के बाद कॉल कर सकते हैं। अपने जो पूरे पाकिस्तान में है, अगर कोई भी दवा मंगाना चाहें तो ये हर्बल और होम्योपैथिक इन्ग्रीडियंट्स में बनी होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, इजीली जो है वो होम डिलीवरी वीपी पार्सल के जरिए मंगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, स्किन टाइटनिंग के हवाले से मैं सवाल करूंगी, लेकिन ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक जो टाइम थी यार, ब्रेक खा पोई वरी मिलू था गल रहे जो वेलकम बैक रंगन मेरी शाम में एक दफा मेरे ता सबनी के भलीकार कयो था आई कॉल भी आई दिसुता कॉल ते केरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वसलाम अदी जी, केर किथा खबा अदी? लॉन्ग पिज़ा को जाम छरे आपो कराया जाम छरे का रंगन मेरी शाम में ताके वेलकम के ता की आयो। ठीक आयो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अदी जो का डॉक्टर साहब ता पूछो होयो त जे कने छावा आए या उत्सा आए, त उनमें चमड़ी स्किन जो को आए तो जे सुयो पटन आई जो का कारी दी थी वने त उन जरा काफी मेडिसिन खा दिया पर फर्क कोन तो पवे। छा थी वने स्किन की थी वने मतलब जी आराय चने तो रो ये थी तो वने आई जो का जो पट जे थी। अच्छा इचिंग में आई उन काफी एलर्जी जो मेडिसिन बतियो आन पर को फर्क कोन तो पे। अच्छा डॉक्टर साहब ये कह रहे कि मेरी स्किन जो है ना वो रेड हो जाती है और उसमें इचिंग होती है और मैंने बहुत सारा इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी एज कितनी है मेरे भाई? उम्र कितनी है आपकी? एज कितनी है ताजी उम्र? एज जदी मुझे छोकरो है मुझे उन्हें तकरीबन 14-15 साल का बच्चा है उसके साथ। अच्छा पानी कितना पीते हैं वो? पानी केतरो पियंदो आए? पानी तो जाम तो पिए मन आई सुन तो रात जो जो को तो लीटर कर पीतो ने दिन जो भी का जाम तो पिए। अच्छा एक रात में ही वो लीटर पानी का पी जाते हैं और दिन में भी पीते हैं। ठीक है। और बाकी ये बताइए कि जो है जिस्म में दाने गर्मी दाने वगैरह तो नहीं? गर्मी दाने जैसे ही वो कह रहे हैं जैसे गर्मी में होते हैं ना गर्मी दाने और उसमें इचिंग। इन्होंने और... किसी डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट कराया उसका? ब्लड टेस्ट कराया वहाँ दाता रक्त टेस्ट कराया? ना ब्लड टेस्ट कराया कहे में डॉक्टर को कराया है। अच्छा उनको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं? अच्छा चले मैं बताता हूँ। अच्छा ताकि स्क्रीन ते रहो ताकि जवाब दे तो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब देखिए अब जैसे कि यानी कि उन्होंने बताया कि ब्लड में हिद्दत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ये बच्चे की उम्र छोटी है, इसमें बच्चे की ग़िज़ा थोड़ी सी नॉर्मल कर दें। बच्चे घर का खाना ज़रा कम खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ख़ासतौर पे ये चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा बर्गर ऑयली और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये क्या होते हैं कि अगर आपका डाइजेस्टिव निज़ाम अच्छा नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आलू बुखारे ले लीजिए। अच्छा आलू बुखारे आप 5 या 7 या 3 आदाद में जो है उसको रात में रख दीजिए और सुबह के वक्त जो है उस आलू बुखारे को खा लीजिए। बच्चे से बोलें चबा के खा ले और उसका पानी पी ले। अच्छा पानी में रख ले? मतलब पानी में रख ले, फूल कर जो है यानी के उसका पानी भी जो है वो पी ले, ढक के रख ले सादा पानी में और वो सुबह नहार मुंह खा ले। बच्चे का पेट भी साफ हो जाएगा, अगर जिस्म में खून की कमी होगी वो भी पूरी होगी और जिस्म में जितनी भी हिद्दत है खून के अंदर जो फासी मादे हैं वो भी इनके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए कि जो है इस बच्चे को इसका ब्लड टेस्ट करवा लें। अच्छा। ताकि देख लें इसको डस्ट एलर्जी तो नहीं है, किसी परफ्यूम से तो एलर्जी नहीं है, या फिर घर में किसी चीज़ से जो इसने कपड़ा पहना हो उससे। बाकी शावर दिन में 2 मरतबा लें और ये चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी भिगो लें तकरीबन 1 कटोरे के अंदर, अच्छी क्वांटिटी में ले लें और उसके बाद नीम की पत्तियां ले लें, उसे पीस कर इसके अंदर डाल दें और तुलसी के चंद पत्ते ले लें और इसको अरके गुलाब में भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर इसके बच्चे की कमर पे पाँव के पंजों पे इस तरह लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसे फिर शावर ले लें। इंशाल्लाह देख लीजिएगा 2-3 मरतबा में ही सही हो जाएगा। जी अदा तक जवाब यकीन डॉक्टर साहब दिनो आए तब बुद्धो भी हों त
आलू बुखारा उनके खारा पानी उन पीरों इन इलाही रिलीफ मिली वो मेट जो नीम के पत्ते निम जहा पत्ता वो डॉक्टर साहब बुधाओ करो असो तो केतो फायदों तेजे नंढड़े के पो इनशाला बिल्कुल ठीक थी वो अनीता का पुछना तो को नयो प्रोजेक्ट जैसे वो कम करे पी या अग्या क्या इरादा है मैडम का नो प्रोजेक्ट तो मुझे हाँ ही ओनियर थो है खोड़ी के घुमरी ड्रामो जो हले तो पो हे मैं इन कर रखो जो मैं टायर्ड आया इलाही रिलीफ तो मिले थोड़ा मूँ चाहता हूँ सवेल करेठी तो वो ड्रामो उन्हें सुनो फीडबैक तो मिले उन में बाती आया वो करेक्टर में थोड़ा चेंज इन कर होस्टिंग कदे पॉजिटिव करेक्टर जिनमें मानू मुख्य इलाही दिठो आज कर सॉन्ग में हाँ वैलेंटाइन डे हो सभी के लिए सुनो फीडबैक मिलो हाँ वरी तैयारी है ब सॉन्ग्स एज अ डायरेक्टर कदम एज अ मॉडल डायरेक्टर अच्छा प्रोग्राम मुझे तो हल्द है हाँ जी ये प्रोग्राम खत्म थी मुझे स्टार्ट किलबर्ग थिएटर रोज हल्द है मंडे टू फ्राइडे बस इो ही है इन में ही टाइम ना मिल बे चैनल्स से एक ड्रामो किया बे चैनल से कंदी आया लाइव शो सैटरडे से इन में ही टाइम ना मिल अच्छा अनीता होस्ट भी है एक सुची तू मॉडल भी आई एक्टर भी आई जाहिर गल एतरो सारो कम करी पई सब का वधिक दुख्यो कम केड़ो लगंदा ता डायरेक्शन की है मना उनमें असल में मां जद एक्टिंग कंदी आ तो मां बस वींदी आ डायरेक्टर मुखे डायरेक्शन नींदो आ मां एक्टिंग कंदी आ होस्टिंग मुखे खबर आ तो मुखे छा गालहणो आ केड़ो प्रोग्राम आ उन जे हिसाब सा गालहणो आ डायरेक्शन इने करे दुखी आ आई मां फर्स्ट सॉन्ग कयो पोखिलबो स्टार्ट कयो डायरेक्शन में उन में पूरी टीम जा जेके हेड आ न ता हुंदा हो मथे में सूर थी वणो रणियो कयो एकड़े करेक्टर के लाइन बे के ट्रेन के ईएनजी मेकअप माना समटाइम ये थी कें मूँ के विसरी वी राजू यारे मजे उनको फोन कहीं चंदी आं विसरी वही हुई जद शूट से वह सभी का पैर तक उथणो पवन सभी के कॉल्स कियो गड कियो आउटडोर कें शूट से वो इन लाइ डायरेक्शन थोड़ी दुखी आ पर थी वो हिम्मत कर हाँ मैं इवेंट थी क्या तभी के बुधाई हल फर्स्ट टाइम मैं इवेंट थी क्या टिकटॉक स्टार अवॉर्ड 2020 इन कराची आर्ट कौंसल तब जरूर अचो दुआ भी कजो तो इवेंट ढो सुठो थी वे छो तो टिकटॉकर्स आजकल टिकटॉक इलाही इन आया पा भी टिकटॉक इलाही ठाई मूसा केटी दिन नुमान शुएब अस सब ठाईंदा आयो तो जरूर अचो 14 मार्च से कराची आर्ट कौंसल में मैं प्रोग्राम में दावत इन कर नी बे प्रोग्राम में अच्छा मुझी अम्मी प्रोग्राम ऐसी रही है अम्मी थैंक यू सो मच ता मुझो प्रोग्राम त घट दिसन आयो अजरा जो प्रोग्राम दिसो ता ना सही आ मुझी ले आ ना हां त लव यू आई मा ता के हमेशा चनी आ ता तमाम घणो प्यार कनी आ अम्मी आई मुझी अम्मी जो भाई अम्मी आई मुझो मामो जके ना जाड़ा जावा बई अच्छा। मुझे प्रोग्राम दिसन ता त लव यू थैंक यू सो मच वरी मेहरबानी ता जी ता कीमती वक्त घड़ी अजरा जो प्रोग्राम दिसो प्या वडी मेहरबानी ता जी अम्मी आए त जारी गला मुझी भी अम्मी आई अम्मी मां मां हुतिया मेरी अम्मी फजर में हम सब बहन भाइयों के लिए दुआ करती है मेरे लिए इसलिए स्पेशली बहुत ज्यादा दुआ करती है मैं ज्यादा बाहर होती हूँ कभी कहीं शूट पर कभी कहीं शूट पर उन्हें अक्सर डर अच्छा मैं बहुत ज्यादा तबीयत की ना तेज हूँ बोलने चालने में भी ना तो मेरी अम्मी को ये पर फिक्र बहुत ज्यादा मेरी होती है मैं उनसे कहती हूँ नहीं किया करो मतलब जब एक वर्किंग वुमेन बाहर निकलती है तो वो एक मर्द की तरह होती है तो सिंधी में चवंदा मुड़स मानू आया मां पर मुझे अभी को भी मुझे परवाह नहीं है बिल्कुल सही बात है किसी से लड़ना पड़े हां बिल्कुल आज जो डायरेक्शन लाइन में आ जाता है तो फिर वो भाई किसी से कम नहीं होता वो जारी बात है इतने लोगों को चला रहे होते हैं इन्होंने सही कहा कि देखें होस्टिंग ये है कि आपने एक टॉपिक देख लिया है आपको पता चल गया आपने उसकी यानी कि होमवर्क कर लिया लेकिन जब आप तो सेट पर आते हो और फिर खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए कोई आपका जो स्टार है जो भी कास्ट में लेट हो जाए या फिर वो मेकअप मैन कुछ प्रॉब्लम कर दे या कुछ और चीजें हो जाए तो वाकई बहुत हो असल मैं यहीं पर केटीएन पे एक प्रोग्राम करती हूँ उसकी डायरेक्टर में खुद हूँ लेकिन मेरे ईएनजी वाले आबिद मेहर हम लोग आपस में इतने वो हो गए कि आबिद को भी मसला होता है कि अनीता का प्रोग्राम सबको पता होता है किसको क्या तो थोड़ी सी टेंशन रिलीज हो जाती है लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो टीम का कैप्टन होता है तो कैप्टन अगर जहाज डुबा देगा तो जहाज डूब जाएगा जहाज भी नहीं बहरहाल कॉल है कॉल तेरे सुधा केरा हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अदा केर के था अभी अली ने वहां टांग पर कर ले मां जी अदा वेलकम रंगन भरी शाम में किए हैं भा ठीक आयो अभी खैर लग रहा शुक्र ता कुछ अभी केरा ता जी सामो प्रोग्राम दिसो पिया जी 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 छा चोन चाहिदो प्रोग्राम जो हाली डॉक्टर डॉक्टर साहब को एकड़ो सवाल पूछणो जी जी ई वारन के असा कलर कयो दा ना जी कलर करन का पो जने वरी धोऊं ता वारन के खारिश थी थे मथे में खारिश थी थे
केड़ो कलर कंदा हो मतलब ओले या के ओ वतु कलर अच्छा इनसे पूछें कि वो कलर चेंज कर लेते हैं रंग करण का पोर जे जों एक ही कलर लगाते हैं हमेशा कलर चेंज अच्छा आदा ता हिकड़ो ही कलर मतलब हिकड़ी कंपनी जो मैंने यूज कयो था या मटाईदा रहंदा हो कलर मटाई के आना था अच्छा वो चेंज करते रहते हैं अच्छा चलो सही है ताके जवाब दियो ता स्क्रीन ते रह जो बड़ी मेहरबानी ता भा कॉल कई ए कॉल कंदा रह जो अच्छा वो केरी मैं चेंज करता रहता हूं लेकिन फिर भी खारिश होती है फिर कलर करने के बाद सर में देखिए एक जो है ये जो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है इसे ये नोट कर लें एक टैबलेट है वो मैं इनको बता दूंगा ये अपना हेयर कलर करने से पहले उस टैबलेट को खा लेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंटी एलर्जी बस वो खा लेंगे उसके बाद वो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ मतलब नहीं होगा कोई इतना बड़ा इशू नहीं बिल्कुल लेकिन जो है अगर चाहें तो आप जो है मैं एक हर्बल जो है होम रेमेडी बता देता हूँ जिससे कलर इनका प्रॉपर अच्छा हो जाएगा अगर उसको कुछ तभी अरसे तक करेंगे तो अच्छा लॉन्ग टाइम एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं हम हेयर कलर्स करते हैं मतलब जिनके बाल काले होते हैं तो वो बिल्कुल हेयर कलर इतनी जल्दी जल्दी क्यों खत्म हो जाता है देखिए शैम्पू का काम होता है सिर्फ हेयर को वॉश करना ठीक है और जितने भी चमकीले और अच्छी बोतलों में जो शैम्पू होते हैं वो हार्ड केमिकल से बने होते हैं अब केमिकल हमने अपने बालों में अप्लाई किया हमने रिबॉन्डिंग कराई हमने स्ट्रीकिंग कराई या फैशन कलर डाई कराई या हमने ओमरे या जो भी शेड आपने हमने करवाया अब वो करवाने के बाद इतना अच्छा लगता है लेकिन 15 दिन बाद देखो तो वो डल होता जाता है ठीक है वो शाइनिंग नहीं रहती फिर आप मुख्तलिफ मोज या शाइनर वगैरह लगा के उसको बहाल करते हैं इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि रीठे का आप ले लें तकरीबन हाफ के जी उसकी गुठलियाँ निकाल लें गुठलियाँ निकालने के बाद उस जो आपके पास बचेगा मटेरियल उसको आप कूट लें कूटने के बाद उसे तकरीबन 2 जग पानी के अंदर आप उसे अच्छे तरीके से जो है उबालना शुरू कर दें सारी रात हल्की आंच में आप उसे पकने दें एक कढ़ाई के अंदर और जब वो 1 जग रह जाए उसे छान कर जो है आपने उसका वो शैम्पू रख लिया ये शैम्पू आपके लिए सबसे बेहतरीन है यानी कि आप उससे वो नहाएं उससे जो है अपने बालों को धोएं वो कलर वो मतलब नेचुरल कलर आपका नेचुरल कलर भी रहेगा आपके बालों की रूट्स मजबूत होंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और उसमें ये भी है कि जब आपका ये पक चुका हो यानी कि 2 जग की जगह 1 जग रह जाए तो उसमें आप 1/2 kg जो है एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं अच्छा। उसको भी पकने दें अच्छे तरीके से फिर इसको छान कर वो ले लें आपकी कॉल आई हां वाह वाह डैडी अच्छी गाल है इन गाल के कंटिन्यू करना से ब्रेक जो टाइम थियो रंगर भरी शाम में ब्रेक वठो था ब्रेक खपो मेरी गले वेलकम बैक रंगल मरी शाम में एक दफा भी था सबनी के बलिकार कई था अनीता सा सगर है डॉक्टर साहब से सगर है डॉक्टर साहब सा पचनासी डॉक्टर साहब जो झाइयां हो जाती हैं चेहरे पर और अमूमन डॉक्टर कहते हैं कि भाई मतलब किसी क्रीम से नहीं जा रही या किसी फेशियल से नहीं जा रही इतनी डीट हो चुकी हैं तो आपको यकीन मतलब आपको ब्लड की कमी है तो ब्लड की कमी को किस तरह पूरा करें कि वो निशान चले जाए देखिए ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए और जो है चेहरे को सुर्ख सफ़ेद बनाने के लिए खासतौर पर झाइयों को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा अच्छा एनर्जी ड्रिंक होता है अगर डेली इसे आप पिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है देखिए किशमिश जो है आपको पता है ये अंगूरों से बनती है और इसमें बड़ी अफादियत है सही। और ये खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत बेहतरीन है आप तकरीबन 10 ग्राम जो है किशमिश ले लें साफ़ सुथरी अच्छी सी और उसके अंदर उन्नाब ले लें उन्नाब के वही ताकतदार दाने ले लें 3, 5 या 7 उन्नाब भी जी हाँ बिल्कुल कहाँ पे मिलेगा हर्बल शॉप से मिल जाता है आप कहेंगे उन्नाब दे दें वो ले लें इसके बाद आप जो है गुलाब की पत्तियां ले लें 1 कप साफ सुथरी जो है रोज़ पेटल जो होती हैं बस ये 3 अदद आपने लेना है और एक छोटी इलायची ले लीजिए इसको आपने 2 गिलास पानी के अंदर बॉयल करना शुरू कर दें और जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसको आप छान कर और उसमें 1 चम्मच शहद डाल के रोज़ाना पी लें आप अच्छा। सुबह नाश्ते के वक्त पी लें आप ये देखिएगा कि सिर्फ 15 डेज में जो है आपकी खून की कमी जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएगी जो लोग उठते हैं सोकर जिसम थका हुआ होता है और जब यानी कि किसी काम से जाते हैं आते हैं चक्कर आ जाते हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है यानी कि ऐसा टॉनिक है ये आपके लिए जिसम में ताकत तवनाई मुहैया करता है अच्छा लेकिन इसके लिए ये है कि डाइट अपनी अच्छी रखें और वक्त पे खाएं खाना क्योंकि देखिए हमारा मैदा जो है जैसे बच्चा होता है ना इसी तरीके से हमारा मैदा है
आप वक्त की पाबंदी रखें, जो भी यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो ऑयली फूड और ये पैकेट के जो मसाले होते हैं इसको कोशिश करें ना खाएं, क्योंकि देखें इसको जो है एक लिमिटेड 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए वो लोग उसमें केमिकल ही डालते हैं ना। आप फ्रेश खाएं और ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं या वैसे भी आप स्क्रीन पे आते हो आपको देखते हैं, जो लोग आपकी क्लिनिक पे आना चाहें तो वो किस तरह आएंगे, आप अपना एड्रेस बता। देखिए क्लिनिक हमारा जो है नॉर्थ आजमाबाद में है, ब्लॉक टी के अंदर नियर कलंदरिया चौक के पास, मेन रोड पे ही है हमारा अप्सरा ब्यूटी सलून है। और आज अज़रा के शो में हूँ मैं, तो जो है KTN की जानिब से जो है 1 लाख रुपए वाला ब्यूटिशियन कोर्स जो है वो सिर्फ 20,000 रुपए में सिखाया जा रहा है। ये डिस्काउंट ऑफर है और जबरदस्त, और उसमें मॉडल लाने की जरूरत नहीं है, मेकअप का सामान लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडमिशन लेंगे आप, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जो है आपको तमाम तरह की यानी कि हेयर भी सिखाएंगी, हेयर के तमाम जितने भी हैं मेकअप और उसमें केमिकल वर्क, स्किन ट्रीटमेंट, ऑल फेशियल जो है यानी कि ऑल वैरायटी फेशियल जो होते हैं यानी कि स्किन लिफ्टिंग के किस तरह के हैं, ये तमाम चीज़ें जो है 20,000 के अंदर ये कोर्स है, वरना एक एक कोर्स जो है काफ़ी महंगा होता है, सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का ही बहुत महंगा होता है। और 14 सर्विसेज जो है जो सर से पाँव तक, जिसमें फेशियल, वैक्सिंग, हेयर कटिंग, हेयर डाई वगैरह शामिल है, हमारे अप्सरा के 20 साल मुकम्मल होने की खुशी में सिर्फ 1200 रुपये में ये तमाम 14 सर्विसेज जो है वो फ्री ले सकती हैं। ये भी KTN की जानिब से यानी कि उन लोगों के लिए फ्री है जो कराची के रहने वाले हैं। और बाकी जो हमारी अप्सरा की प्रोडक्ट मंगाएंगे उनको 5% का डिस्काउंट है अप्सरा की ऑल प्रोडक्ट्स पर। अच्छा भाई, एडो वो बेनिफिट तक मिले तो 1 लख वो कोर्स है वो तवी 1000 में करे वनो न ताके छा कपे तो वो बिना देर ता अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक पहुंची वनजो उते ता वेनो ताके पूरो डिटेल मिली विंदो त अनीता जी जो तो ही मां मालू ता वाकई में ही हलन गुरजी असके एडो फायदा यार। हां वाकई डाडो फायदा है। आई डॉक्टर साहब जब हम आएंगे सीखने में और अनीता तो फेशियल और ये मेनी पेडी ये तो हमारा फ्री में होगा ना? जी मेनी पेडी बिल्कुल फ्री में होगा। और आप देखेंगे कि आप लोगों ने देखे माशाल्लाह जितने भी शोबिज में हमारे पास माशाल्लाह हर जगह से आते हैं, हर टीवी चैनल से आते हैं लोग और अदबी और सियासी शख्सियात भी आती हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि प्रोडक्ट हमारी अच्छी हो और उन्हें रिलैक्सिंग हो, प्रेशर पॉइंट ही होते हैं फेशियल तो देखें इंसान कहीं से भी करवा लेता है, लेकिन हमारे जो फेशियल पॉइंट है सब डिफरेंट होते हैं, यानी कि आपको फेस लिफ्टिंग करनी है, टाइटिंग है, आपका एक्ने है, मसाज है, तमाम आई यानी ता छोकिन के यो घणो होदा बस फेस जेको है वाइट हो जाए, टाइट हो जाए, आए जेको है असन हेयर सुठा लगन, असन हेयर सुठा हो जाए ना, या सा खास तो जे के शोबिज में आयो ता सा मा दिसो ना वार का ट्राई छरिया तब हेयर्स फेस आई असन जो जेको मेकअप आ, अब मैं पूरा महीना स्क्रीन पे ना जी बिल्कुल मेरी स्किन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है मेरी नहीं, बस आप डाइट अच्छी रखें और एक ब्यूटी क्रीम जो है, और मेरे ख्याल से नींद भी बहुत ज्यादा मायने रखती है ना, हम लोग नींद भी प्रॉपर नहीं कर सकते 8 घंटे की नींद। अच्छा एडी सुटी सुटी गाली जो है डॉक्टर साहब खाइडा फायदा प्यासा वठूं जाहिर के एक टिप भी जो है वो को असा के एक्सपर्ट दे तो वही गाल हुंदी अनीता सारी सुटी कचहरी थी, टाइम जो तमाम घट आए, मां लास्ट में जो है थैंक्स कंदस ता सबनी जो बिरनी जो ता आयो टाइम कडी, पर अनीता को मैसेज देन चाहिए अपने व्यूअर्स के बिने बिने जेके भी व्यूअर्स आइन जेके दिसंदर आइन उन सबनी के यो चवंदम ता ख्याल रखो पेंजो पेंजी जात मा के तकलीफ न जो, एकड़ी गाल हा मुनाफकत छडे जो, मुनाफ़त जैन ही छदौ ना कुदरती फेस एतरा एक्टिव थी वो मुनाफ़त जो है ना सभी का वही गंदी बीमारी अव, खुश रहो, कोशिश कियो तो बया भी तुम खुश रहन, हसद भी खत्म कर छो, ये शूँ जैसे तीन जिंदगी में खत्म थी वन कूड़ तुम सच गाइंद न तो पा भी मेंटली तौर पर एतरा रिलैक्स होंद तक कें जी उन जरूरत ही ना, खुश रहो, बेन के भी खुश रहन जो। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप बस ज़िंदगी देखें बहुत खूबसूरत है और बहुत मुख्तसर है, इसको जितने अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं उतने अच्छे तरीके से गुजारिए, खुशियां बांटिए और खुशियां लीजिए, जब आप किसी को अच्छी चीज़ डिलीवर करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखें कि वो आपको अच्छी चीज़ यानी कि देगा इंशाल्लाह। अच्छा लोगों से उम्मीद ना रखें बस। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, हमारा आज का टॉपिक भी यही था कि मतलब हमें एक दूसरे से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, हाँ। तो सबका जवाब यही था कि मतलब नहीं रखनी चाहिए नहीं तो बेहतर है, अल्लाह साईं उम्मीद रखा गुरुजी जी, मेहरबानी डॉक्टर साहब आपका बहुत थैंक्स, आप आए अनीता तांजी मेहरबानी। अच्छा मां विंदे विंदे जी बुधाई ने हमेशा निदास कलेक्शन वारन लाए तो उनन जी मां कलेक्शन पाई दिया, अगर ता के खरीद करनी है, बाय करनी है तो ता उते जो का 3 तलवा CTC शॉपिंग मॉल 16 नंबर दुकान ते
वञी करे बाय करे सघो था। बाक़ी सुभाणे जे लाइ मां तव्हांखे इहो चवंदमि, ज़िंदगी रही त वरी गॾु आहियूं, किन नवनि चहिरनि सां, किन नवनि मुस्कुराहटुनि सां, किन नवनि ॻाल्हियुनि सां, ऐं किन नवनि महिमाननि सां, ऐं किन नवनि रंगनि सां। सुभाणे वरी रंगनि वरी शाम में तव्हांजे साम्हूं हूंदासीं। अॼु पंहिंजी होस्ट हज़रा ख़ान खे ॾींदो इजाज़त। तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़।